लक्सर के थाना प्रहरी क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने तहरीर देकर आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी। थाना पथरी क्षेत्र के एक गांव की 8 साल की मासूम अपने छोटे भाई के साथ खेत में काम कर रहे माता पिता के साथ लेकर खाना लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक गांव के ही एक युवक ने 8 साल के मासूम के भाई को धक्का देकर मासूम को जबरदस्ती कमरे में ले गया, उसको जाकर बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं मौके से फरार हो गया। लड़की का भाई लड़की को लेकर अपने माता पिता के पास खेत में गया। बहन के साथ हुई घटना की आप बीती बताई, जिसके बाद माता पिता लड़की को लेकर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी फेरूपुर पहुंचे। युवक के खिलाफ लिखित में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। फेरूपुर चौकी प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। हरिद्वार से संजय भारती की रिपोर्ट। खेत में गए हुए थे गेहूँ काटने के लिए और जो बच्चे घर पर थे, जो है मेरी लड़की और लड़का खेत में आ रहे थे, तो रास्ते में उसका लड़का का घर पड़ता है, तो उसने जो है मेरी बच्ची को जबरदस्ती पकड़ कर अंदर कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक चलती ऑटो आग के गोले में तब्दील हो गए। चलती ऑटो में अचानक आग लगते ही देखते देखते आग ने पूरी ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि घटना के वक्त ऑटो में सवारियां नहीं थी, जबकि ड्राइवर ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग इलाके की है, जहां ओपीएम फैक्ट्री के पास सड़क पर जा रही एक ऑटो में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपने चपेट में ले लिया। वहीं पर घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जैसे ही फायर ब्रिगेड को सूचना मिली, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमारे जो सीएसएफ जो कंट्रोल रूम से कि एक 18 नंबर जो गेट के पास में आउटसाइड में जो है एक ऑटो में आग लगी है और जो लोकल पुलिस को वहां पर मतलब खबर जो कर दिया गया है, वो लोग भी यहां पर आ रहे। तब तक हम लोग यहां पर आए तो ये जो है बिल्कुल आपका खुदू के साथ आपको जल रहा था। हम लोगों ने पानी और जो फोम जो है पहले मतलब उसको थोड़ा सा जो फोम जो मार के कंट्रोल किया, ताकि जो पेट्रोल की आग है उसके बाद जो है जैसे जो है आग जब हमारा मतलब वहाँ पर कंट्रोल में आ गया तो पानी जो मार के सही तरीके से उसको आपको दिखा दे। हमको तो बाद में जब पता चला, हमको तो क्या है तब तक ये जो गाड़ी वाले यहीं पर छोड़ के वो जो निकल चुके थे, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये गाड़ी किनकी है और इसमें कितने पैसेंजर थे। जब मैंने जो आके देखा तो ये जो है टेम्पो बिल्कुल आपका धू करके जल रहा। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 500 ग्राम चरस के साथ एक साथी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए साथी बदमाश रोहित और सन्नाटा पर हत्या सहित करीब 1.5 दर्जन से अधिक अपराधी मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि बीती रात देर सिटी कोतवाली पुलिस बुलंदशहर रोड पुरानी चुंगी पर गश्त कर रही थी, तभी पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान हिस्ट्री सीटर रोहित और सन्नाटा के रूप में हुई। पकड़ा गया रोहित और सन्नाटा बीजेपी विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद की है। वहीं पकड़ा गया रोहित और हिस्ट्री सीटर बदमाश है, इस पर करीब 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मामला दर्ज है। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। काली नगरी के नाम से प्रसिद्ध भदोही में भी चुनावी चर्चा रफ्तार पकड़ चुकी है। छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए सियासी दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए केशव ने कहा कि अपने पिता व चाचा का नहीं हुआ वह नकली बुआ के साथ मिलकर जनता को गुमराह कर रहा है। न तो नकली बुआ का होगा और न ही आपका। 12 मई को भाजपा के पक्ष में वोट देने का जनता से उन्होंने आह्वान किया। कहा कि रमेश बिंद को प्रत्याशी मत मानो, नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी मानो, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी मानकर वोट दीजिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2014 में पूरे पूर्वांचल में मोदी लहर के चलते बसपा का हाथी हवा हो गया था। वीरेंद्र सिंह को उनके 3 बार के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर यहां बसपा उम्मीदवार पूर्व मंत्री राकेश त्रिपाठी थे। तीसरे पायदान पर समाजवादी पार्टी से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा थी। हाल में गठबंधन के पास दलित यादव मुस्लिम जैसा मजबूत फार्मूला है, इसलिए बसपा ने पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा को मैदान में उतारकर ब्राह्मण मतों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इस बार कांग्रेस ने बाहुबली रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है, इसलिए कुछ यादव कांग्रेस की ओर रुख कर सकते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन के यादव वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक तरफ बच्चे को पढ़ाने की शिक्षा दी जाती है तो वहीं दूसरी तरफ नाबालिग बच्चा दारू बेच रहा है। देखे हमारे वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग आंखें बंद करके बैठा है, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं करता। आबकारी विभाग से कहते हैं तो आबकारी विभाग बात को कहकर टाल देता है। देखना है कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है या नहीं। हापुड़ से अनुज चौधरी की रिपोर्ट। बदायूं में जिलाधिकारी द्वारा अवैध खनन को पकड़ने के लिए एसडीएम, सदर इंस्पेक्टर, सिविल लाइन एसओ, कादर चौक खनन इंस्पेक्टर और आरटीओ की टीमें गठित कर रात 11 बजे अभियान कर भेजा गया। उसी के तहत दो ट्रैक्टर रेत भरी टाली सहित शेखुपुरा नौशेरा के पास तथा पांच ट्रैक्टर टाली बारूद से भरी हुई पकड़ी गई। किसी के पास कोई कागजात नहीं था। बदायूं से मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में हुए चौथे चरण के चुनाव में 28 सीट पर मतदान किया गया। शाम 6 बजे सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी पूर्वी शर्मा, भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी तथा कांग्रेस प्रत्याशी जफर अली नकवी का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। जनपद लखीमपुर खीरी में मतदान का प्रतिशत 66.4% रहा, जिसमें निघासन 61.57%, पालिया कला 62.5%, श्रीनगर 60.03%, मैलानी 50.61% रहा। लखीमपुर खीरी के तीनों प्रत्याशियों ने अपना भी मतदान किया। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। जो कहने कहीं पर ढिलैया तो के जूहे तो उन पर ढील देबा भाई फूले पर दावी दिने पर नहीं। आपने कहा जो मेरा मन होगा हम उस पर डालेंगे। हम कह जूहे तो पर डाल देबा हम पर डाल नहीं है तो डरीबा जूहे तो पर डरीबा। अब भाई अपने आप छापी दिन पर फूल पर कितने डाल दिया। अच्छा जो वहाँ अंदर बैठे थे कर्मचारी है। पाँच वर्षीय बालक का शव मिला खेत में, जिससे कि सनसनी फैल गई। कासगंज जनपद कोतवाली गंज डुडवारा के गांव चिरौला में जहां 5 वर्ष सोनू विगत 25 अप्रैल की शाम अपने घर से गायब हो गया था। आज सुबह खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को बालक का शव मिला। आपको बता दें कि खेत में पड़ा शव देखते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं बच्चे के मृतक बच्चे की दादी रामदेवी ने गांव में ही चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को कहा। बालक सोनू की दादी का कहना है कि मेरे सोनू को पहले अपहरण किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एसपी अशोक कुमार ने घटना स्थल पर जाकर जायजा लिया। पुलिस को सख्त आदेश दिए कि जो मुजरिम हो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने मासूम बच्चे का शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुट गई। कासगंज से अजमेर वारसी की रिपोर्ट। इनका बच्चा जो है 24 तारीख से गायब था और खेलना दो बच्चों का खेलना था तो इनको इन लोग अपना ढूंढते रहे उसको और ये पुलिस को बताया ही नहीं। तो इनको एक शमसुल नाम का लड़का उनको बोला कि आपका बच्चा आ जाएगा परेशान ना हो। ये बेचारे अपना ढूंढते रहते रहे। फिर एक अक्रम है उनका फोन आया कि अभी तुम पुलिस को मत इतला करो, मैं बच्चा आने कल आया था। तो इन्होंने आके थाने को बताया, इनका मैंने FIR लिखवाया बच्चे के अपहरण का और उसके बाद तलाश कराई गई। आज सुबह बच्चे की लाश मिली है, टी-शर्ट से पहचान किए हैं बच्चे को। मतलब काफी 3-4 दिन हो गया था बच्चा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन लोग पहचान लिए। तो उसमें 302 में दर्ज कराया गया था, मैंने घटना स्थल को देखा है और मैंने ये एक मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिया है इसमें मैंने मोबीन को जो उनका साथी है। बाकी 3-4 खिलाफ उन्होंने पता लिखवाया है, 3 अभी जो है तलाश कर रहा हूँ। अकरम की तलाश है, अकरम मिलेगा तो पूरी घटना का पता लगेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद गाजियाबाद के अरथला में, जहां अरथला मेट्रो स्टेशन के पीछे इस जो कार्य चल रहा है ये बेसमेंट का कार्य चल रहा है और इस पर कोई प्रशासन किसी तरीके की रोक नहीं लगा रहा है। और ये देख सकते हो आप, मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा दिखाने की, अंदर बेसमेंट है ये पूरा बेसमेंट है अंदर तक। जनपद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद के अंतर्गत आने वाले अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास बिना अनुमति के बना दिया गया है बेसमेंट, जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बेसमेंट के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। फिर भी न जाने लगभग 8,000 से 9,000 वर्ग फीट इतना बड़ा बेसमेंट कैसे तैयार हो गया और अब भी इसके ऊपर निर्माण कार्य चालू है। क्या गाजियाबाद का प्राधिकरण केवल हवाई स्तर पर कार्य करता है, जमीनी स्तर पर गाजियाबाद प्राधिकरण कुछ नहीं करता? जब इस प्रकार के निर्माण कार्यों को नहीं रोका जा सकता है तो फिर अचानक ही कोई दुर्घटना होने पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है। अगर प्राधिकरण अभी ऐसे कार्यों पर अंकुश लगा दे तो कोई भी घटना या दुर्घटना नहीं होगा।
गाजियाबाद से सिंधबाज खान की रिपोर्ट। बुलंदशहर के तहसील सियाना के थाना नरसेना के गांव जलालपुर में दहेज लोभियों की दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर बुगरासी अड्डे पर छोड़कर भागा। कई बार पंचायत हुई लेकिन उसकी मांग कम नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि उसने अपने पति की शिकायत सास ससुर से की, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की बजाय उसे ही दोषी ठहराया। कई दिन तक खाना भी नहीं दिया। उसने कहा है कि मेरे पति ने किसी और से भी अन्य कहीं संबंध है, इस वजह से वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस चौकी बुगरासी में 3 दिन पहले तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सियाना से विकास त्यागी की रिपोर्ट। गाली बगी मेरे पति ने, मार को गाली बगी, मुझे बगी और मुझे खूब सोच सुनाया और मुझ पे मारने को चढ़ गई, दोनों ने मारा फिर मुझे। चौकी वगैरह या थाने में कोई तहरीर दी आपने? नहीं, मैं ना बाहर को आ रही निकल के तो उन्होंने गेट बंद कर दिया। नहीं, जैसे आप बुगराशी में आए हो, यहाँ पे हो, चौकी में तहरीर वगैरह दी आपने? जी दी थी। तो क्या कहा इंचार्ज ने, क्या आश्वासन दिया? वो कह रहे थे मैं हाथ देखूंगा। पहले जो फैसला हुआ है लिखित तौर पर हुआ है, सही हुआ? पहले भी फैसला हुआ था लिखित तौर पर हुआ। हाँ, उन्होंने कही थी ना, हाँ मैं ठीक रखूंगा, मैं जलालपुर काम करूंगा, तो फिर उन्होंने काम नहीं करा 4 महीने से। मैं भूखी प्यासी हर काम से हर चीज से मोहताज हूँ। यूपी के रामपुर में जिला अस्पताल आजम खान ने यूं तो बहुत ही खूबसूरत बनवाया था, लेकिन इस अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनकी देखभाल नहीं होती। यही कारण है कि अस्पताल में भर्ती मरीज के तीमारदार डॉक्टरों और नर्सों का पैसा देकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जो पैसा नहीं देता है तो उसे अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ उस मरीज को एक बार भी नहीं देखते। यही वजह है कि तीमारदार ने मरीज को देखभाल नहीं की। रात होने पर अस्पताल में नर्स और डॉक्टरों की ड्यूटी में सोता देख उनकी वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आते ही जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर नागर ने कार्यवाही की बात कर टाल दिया। वहीं वीडियो बनाने वाला शख्स तीमारदार है और वो डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से आहत होकर उसने यह वीडियो बनाई। वीडियो दिखाया गया है कि डॉक्टर और नर्स अपने ड्यूटी के दौरान सोते मिले और मरीज तड़पते मिले, जिसकी वजह से यह वीडियो बनाई गई है, एक बड़ी वजह है। और वीडियो में यह भी जिक्र हो रहा है, इलाज नहीं मिलने पर एक मरीज तड़प तड़प कर मर गया, पर उसे देखने वाला कोई अस्पताल का डॉक्टर नहीं था और ना ही नर्स। ऐसे में इतने बड़े अस्पताल पे अब सवाल उठना भी लाजमी है। रामपुर से हरुण पासा की रिपोर्ट।